हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्क होम अप्लायंसेस। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ओरिएंट रेफ्रिजरेटर। आइए हम इसका कंप्लीट रिव्यू आपको देते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इस वीडियो में हम ओरिएंट के इस मॉडल के बारे में आपको कम्प्लीट रिव्यू देंगे। क्या है कि आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। हमारे जो रिव्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं। हम लोग आपको डिटेल में हर चीज़ बताते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ओरिएंट की ये रूबी सीरीज़ है, ये रूबी सीरीज़ है और ये मॉडल है 330 क्रिस्टल ग्लास। ये इसका अपर पोर्शन है, आप ये देख सकते हैं। इसमें उन्होंने ये जो रैक दिए हैं ये ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये अनब्रेकेबल होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। और सेकेंडली इन्होंने ये इसका जो फ्रीज़र पोर्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने ये शीट का इस्तेमाल किया हुआ है, स्टील शीट का इस्तेमाल किया गया है। ये वाटर कटर्स दिए गए हैं ताकि पानी जो होता है वो अक्सर इस जगह पर आ जाता है और यहाँ से फ्रिज गलना शुरू हो जाता है, तो इन्होंने ये वाटर कटर्स दे दिए हैं इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और स्टील के इन्होंने ये रैक्स दिए हैं। अगर हम इसके लोअर पोर्शन की बात करें, लोअर पोर्शन में भी इन्होंने 3 शेल्फ्स दिए हैं और एक साथ बॉटल शेल्फ भी है। वेजिटेबल बॉक्स ओरिएंट का मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है हमेशा, मैं अपने कस्टमर्स को भी कहता हूँ छोटा होता है। इसमें वेजिटेबल बॉक्स थोड़ा सा छोटी स्पेस होती है, थोड़ी स्पेस होती है। और साथ इसके ये एलईडी बल्ब डाल दिए इन्होंने इस बार, जो कि अच्छी चीज़ है। बैक साइड पर इन्होंने प्लेट लगाई है। कूलिंग के हवाले से अगर हम देखें तो ओरिएंट एक वेल नोन जो है वो ब्रांड है, और इन्होंने ये रिमूवेबल इसके अंदर गैसकेट इंस्टॉल की है, जो कि बहुत बेहतरीन होती है। ओवरऑल फ्रिज बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो इन्होंने जापनीज़ कंप्रेसर इस दफ़ा इसमें इंस्टॉल किया है। पहले इनमें डेनफॉस का कंप्रेसर आता था, और थिकेस्ट इंसुलेशन इन्होंने डाली है। डायरेक्ट एवेपोरेटर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया, कंसील्ड नहीं है, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था, डायरेक्ट एवेपोरेटर इसमें यूज़ किया गया हुआ है। एक जो एक लिहाज से बेहतर भी है, एक लिहाज से बेहतर भी नहीं है। एक लिहाज से बेहतर ये है कि इसकी जो कूलिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और जो अगर हम कहें कि ख़तरा जिस बात में होता है कि जब आप लोग बर्फ़ उतार रहे होते हैं तो अक्सर छुरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके लिए इन्होंने जो एसेसरीज़ के अंदर ये जैसे कि ट्यूब्स वाले हैं, एसेसरीज़ में ये दिया हुआ होता है, इसको यूज़ करके आप बर्फ़ को उतार सकते हैं। तो अक्सर लोग उतारते वक्त इस पर छुरी या कोई भी चीज़ ऐसी मार देते हैं जिसकी वजह से गैस लीक हो जाती है। ओवरऑल फ्रिज की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।